नमस्कार। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए विश्व भर में सदाए प्रवृत्त श्री श्री रविशंकर जी, वहाँ उपस्थित अन्य सभी गणमान्य महानुभव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ड्रग फ्री इंडिया के मिशन और संकल्प के साथ आज देश भर से बहुत बड़ी मात्रा में लोग एकजुट हुए हैं। देश की भलाई हमारे युवाओं की बेहतरी के इस अभियान के लिए मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और विशेष रूप से श्री श्री रविशंकर जी के प्रयासों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने जिस प्रकार ड्रग फ्री इंडिया बनाने की दिशा में प्रयत्न किए हैं, मैं उसकी हृदय से सराहना करना चाहता हूं। मैंने मीडिया और सोशल मीडिया में भी देखा है कि इस आंदोलन को किस प्रकार समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। विशेषकर फिल्म और खेल जगत की कई हस्तियों ने भी अपना सहयोग दिया है। फ्रेंड्स, ड्रग्स आर अ ग्रेट मेनस टू सोसाइटी एंड दिस इज ए फैक्ट दैट इज वेल नोन। आई वुड कॉल सब्सटेंस एब्यूज ए साइको सोशियो मेडिकल प्रॉब्लम। WHO एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 3 करोड़ लोग ड्रग्स से होने वाले डिसऑर्डर की चपेट में हैं। इसका मतलब है कि वे नशीली दवाओं का इतना अधिक इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें उपचार की आवश्यकता है। अगर वर्ष 2000 और 2015 की तुलना की जाए तो ड्रग्स के सेवन से मरने वालों की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। इट इज पर्टिकुलरली अलार्मिंग टू सी सो मैनी यंगस्टर्स टेक टू सब्सटेंस एब्यूज। आई वॉन्ट टू टेल यंग फ्रेंड्स, ड्रग्स आर नॉट कूल। डोंट मेक एडिक्शन योर अट्रैक्शन। ऑफन पीपल थिंक दैट ड्रग्स आर अ स्टाइल स्टेटमेंट। दे शो हाउ मॉडर्न अ पर्सन इज। हाउएवर, देयर कैन बी नो बिगर मिसकंसेप्शन दैट दिस। ड्रग्स लेकर आप न केवल खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार व अपने दोस्तों को भी, आपको चाहने वालों को भी दुखी कर रहे हैं, उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं, इनका जीना मुश्किल कर रहे हैं। जब आप ड्रग्स का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है, शरीर मदद करना बंद करने लग जाता है, आप HIV और हेपेटाइटिस सी
जैसी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। यही नहीं, नशा और ड्रग्स लेने की आदत से परिवार आर्थिक रूप से भी तबाह हो जाते हैं। ड्रग्स एडिक्ट को चोरी करने की आदत भी लग जाती है, अपने खास मित्रों के बटुए चुराना लग जाता है। इन सबको टाला जा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग्स के सेवन से आतंकवादियों के हाथ मजबूत होते हैं, यानी ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हो जो भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि नारकोटिक्स ट्रेड को एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स यानी असामाजिक तत्वों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो राष्ट्र की शांति और सद्भावना को नष्ट करने पर तुले हैं। जरा सोचिए, जिस पैसे से ड्रग्स खरीदी जाती है, उसी पैसे का इस्तेमाल हथियार और गोलियां, बम बारूद और बंदूक खरीदने में किया जा रहा है, और आखिरकार उन्हीं हथियारों से हमारे सैनिकों को मारा जा रहा है। हम में से हर कोई अपने देश से प्रेम करता है, तो फिर उन लोगों का साथ क्यों देना, जाने अनजाने में भी क्यों देना, जो हमारे भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, मानव जात को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे बहादुर जवानों की हत्या में शामिल है। अपनी तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार और राज्य सरकारें ड्रग्स के व्यापार, खासकर सीमा पार से जो अवैध व्यापार चल रहा है, उसे रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की है। इसमें जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, ड्रग्स से दूर रहें, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना का नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। इस योजना को 2018 में लागू किया जा चुका है, जबकि 2025 को ध्यान में रखकर एक लॉन्ग टर्म रणनीति तैयार की गई है। इसमें कई बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे प्रिवेंटिव एजुकेशन और अवेयरनेस जनरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, उपचार और पुनर्वास, वनरेबल एरियाज में फोकस इंटरवेंशन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ड्रग डिमांड कम करने के कार्यक्रम, इस विषय पर सर्वे, स्टडीज, एवेल्यूशन, रिसर्च और इनोवेशन। भाइयों और बहनों, नशा करने वाले अधिकांश लोग क्रिमिनल नहीं होते हैं। हमें उन्हें क्रिमिनल के रूप में देखना बंद करना चाहिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इसे छिपाने या नजरअंदाज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है
कि हमारे समाज के पास उन गुमराह युवाओं को सही रास्ते पर लाने का सामर्थ्य है। हमने देखा है कि बड़ी से बड़ी बुराई को भी हमारे समाज ने, हमारे देश ने अपने तरीके से और अपनी सूझबूझ से उसे खत्म किया है। अन्य बुराइयों की तरह हम नशे की बीमारी को भी समाज से खत्म करके ही दम लेंगे। हम अलग अलग स्तर पर अपना योगदान कर सकते हैं। इस मुद्दे पर सबसे महत्वपूर्ण है संवाद। अगर कोई युवा नशे की लत में पड़ जाता है तो उसके माता पिता, परिवार के दूसरे सदस्यों और दोस्तों को चाहिए कि उससे बातचीत करते रहें, उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते रहें, उसे अन्य कामों में व्यस्त रखें। एक परिवार के रूप में आपको उसके साथ खड़ा होना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में स्टूडेंट्स के लिए नियमित रूप से अवेयरनेस प्रोग्राम का अपना महत्व है और अब तो टेक्नोलॉजी का यूज करके इनको बहुत इफेक्टिव बनाया जा सकता है। भाइयों और बहनों, नशे से मुक्ति के लिए और नशे से मुक्ति में मदद के लिए ढेर सारी काउंसलिंग सर्विसेज और हेल्पलाइंस उपलब्ध हैं और खास करके बड़े शहरों में तो जरूर मिलती है। जो लोग ड्रग्स के आदी हैं उन्हें इन सेवाओं का उपयोग करने को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ऐसे व्यक्ति से बात करने में आपको कोई झिझक नहीं होती है जो आपको बिल्कुल नहीं जानता है, क्योंकि आप उसे खुलकर अपनी परेशानी के बारे में बता सकते हैं। जाहिर है, ऐसे में सामाजिक संस्थाओं और कम्युनिटी वॉलंटियर्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे लोग नशे की गिरफ्त में आ चुके लोगों को उनके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। जो लोग नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं, क्योंकि इस प्रकार का हर प्रयास ड्रग फ्री इंडिया में एक बहुत बड़ा योगदान है। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन इन फाइटिंग द मेनेस ऑफ ड्रग्स इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। यू ऑल मस्ट हैव द पावर टू रेजिस्ट एनी टेम्पटेशन एंड पीयर प्रेशर। वंस यू हैव मेड ए कॉन्शियस डिसीजन, नो फोर्स कैन टेक यू डाउन टू द पाथ ऑफ ड्रग्स। दैट इज वाई आई से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए से नो टू ड्रग्स, अपने संतुलित जीवन के लिए से नो टू ड्रग्स, अपने जीवन में सफलता के लिए से नो टू ड्रग्स, अपने मन की शांति के लिए से नो टू ड्रग्स, अपने परिवार के सुख के लिए से नो टू ड्रग्स, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए से नो टू ड्रग्स। एक बार फिर मैं आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और श्री श्री रविशंकर जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, साथ ही ड्रग फ्री इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के प्रयासों की हृदय से बहुत बहुत सराहना करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह आंदोलन हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।